हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्ट्रेटजीज। आज मैं क्लास 10वीं का विज्ञान का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के कुछ पाठगत प्रश्न आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आप शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, लिखा हुआ है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को इसलिए साफ किया जाता है कि मैग्नीशियम नम वायु के उपस्थिति में, मतलब नम वायु के संपर्क में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जिसे मैग्नीशियम रिबन के ऊपरी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत चढ़ जाता है। मतलब नम वायु के संपर्क में जब आता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, जिसे मैग्नीशियम रिबन के ऊपरी सतह में ऐसे मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत चढ़ जाता है, मतलब जमा हो जाता है। इसलिए इसे वायु में जलाने से पहले रेगमाल की सहायता से, मतलब सरेस पत्ता की सहायता से, मदद से साफ किया जाता है, ताकि मैग्नीशियम की सतह हवा से संपर्क में आ सके। इसलिए ऐसे वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नांकित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखे, मतलब बैलेंस करना है रासायनिक अभिक्रिया को, जो नीचे दिए गए रासायनिक अभिक्रिया को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो चलिए दूसरा का पहला प्रश्न लिखा हुआ है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन दोनों आपस में अभिक्रिया कर हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करता है, बनाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र लिखेंगे। हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है, H2 प्लस क्लोरीन का सूत्र होता है Cl2। दोनों आपस में अभिक्रिया कर HCl, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करता है। तो अब इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या करना है, संतुलित करेंगे। अब तो संतुलित करने के लिए दोनों पक्षों में देखेंगे, बायां पक्ष और दायां पक्ष में तत्वों की परमाणु संख्या बराबर है या नहीं। तो अगर बराबर है तो रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है, अगर बराबर नहीं है दायां पक्ष और बायां पक्ष में, तो वे रासायनिक अभिक्रिया असंतुलित है। तो इधर हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन इधर दायां पक्ष में कितना है, 1 है, तो अनबैलेंस है, असंतुलित है। और क्लोरीन इधर बायां पक्ष में 2 है, तो क्लोरीन दायां पक्ष में कितने है, 1 है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया का करेंगे, संतुलित करेंगे। तो इधर 2 है, तो 2 करने के लिए यहाँ पर 2 पहले गुना करेंगे, तो पहले 2 गुना करेंगे, तो हाइड्रोजन इधर भी 2 हो गया, हाइड्रोजन इधर भी 2 हुआ, और क्लोरीन बायां पक्ष में 2 है, तो क्लोरीन भी इधर 2 हो गया। ध्यान रहे दोस्तों कि जब भी संतुलित करिएगा तो किसी भी रासायनिक सूत्र के पहले गुना करेंगे, ये न कि यहाँ पर 2 कर दीजिएगा तो आपका ये संतुलित मतलब करना गलत होगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अगला है प्रश्न दूसरा, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट दोनों आपस में अभिक्रिया कर बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो इसको भी चलिए सूत्र लिखते हैं। तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, तो एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र होता है Al2SO4 होल ट्राई। दोनों आपस में अभिक्रिया कर बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3 का निर्माण करता है। तो अब इसमें देखना है दोस्तों कि किस मतलब दायां पक्ष और बायां पक्ष में दोनों तरफ देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के तत्वों की संख्या। तो इसमें ध्यान देना है कि जिस तत्वों की परमाणु संख्या सबसे अधिकतम होगा उसी को सबसे पहले देखेंगे। तो इस तरफ देखिए बायां पक्ष में कि कौन किस तत्व की परमाणु संख्या अधिक है, तो सबसे अधिक कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 12 ऑक्सीजन है, तो 12 ऑक्सीजन है, तो इधर कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन। तो 4 ऑक्सीजन को 12 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 3 गुना करेंगे, मतलब बेरियम सल्फेट के पहले। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन कितना हो गया, 12 हो गया, और इधर भी ऑक्सीजन 12 हो गया, मतलब बायां पक्ष में 12 और दायां पक्ष में भी 12 हुआ। तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन 12 हुआ, तो बेरियम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 बेरियम हो गया, तो बेरियम इधर कितना है, 1 है, तो 1 है, तो बेरियम को 3 करने के लिए आप यहाँ क्या कीजिएगा, 3 गुना कर दीजिएगा। जब 3 यहाँ गुना कर दिए तो बेरियम 3 तो हो गया, लेकिन क्लोरीन कितना हो गया, अब यहाँ पर क्लोरीन 6 हो गया, क्लोरीन इधर कितना हो गया, 6,
तो देखिए इधर दाया पक्ष में क्लोरीन कितना है, तीन है, कितना है तीन, तो इसको भी छः करने के लिए और कितना चाहिए इसमें, कितना गुना करेंगे तो दो गुना करेंगे, तब क्लोरीन कितना हो गया, छः हो गया। तो क्लोरीन जब छः हो गया तो अल्मोनियम कितना हो गया, यहाँ पर दो हो गया, तो अल्मोनियम इधर दो है और इधर भी अल्मोनियम दो है, तो दाया पक्ष और बाया पक्ष और दाया पक्ष में दोनों तरफ क्या हो गया, अब बराबर हो गया, तो अब ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। इसी प्रकार अगला तीसरा प्रश्न, सोडियम प्लस जल दोनों आपस में अभिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन का निर्माण करता है। तीस रासायनिक अभिक्रिया को क्या करेंगे, सूत्र लिखेंगे सबसे पहले, तो सोडियम का सूत्र होता है Na प्लस जल का सूत्र होता है H2O, दोनों आपस में अभिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, मतलब इसका सूत्र होता है NaOH प्लस हाइड्रोजन का सूत्र होता है H2। तो अब क्या करेंगे, इस रासायनिक अभिक्रिया में देखेंगे बायां पक्ष और दायां पक्ष से तुलना करेंगे, तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्वों की संख्या सबसे अधिक होगा तो उसी को सबसे पहले देखेंगे और बैलेंस करेंगे। तो इधर देखिए दायां पक्ष में हाइड्रोजन कितना है, तीन है, और इधर कितना है, दो है, तो तीन करने के लिए क्या करेंगे, इधर दो ही गुना करेंगे, तीन नहीं गुना करेंगे, तो हाइड्रोजन यहाँ कितना हो गया बायां पक्ष में, चार हो गया, हाइड्रोजन इधर भी कितना करना होगा, चार करना होगा, तो चार करने के लिए यहाँ पर दो गुना करेंगे, तो अब हाइड्रोजन यहाँ पर दो और ये दो, हाइड्रोजन कितना हो गया, चार हो गया, मतलब बायां पक्ष में भी और दायां पक्ष में बराबर हो गया। तो अब हाइड्रोजन जब चार हो गया तो सोडियम कितना है, यहाँ हो गया सोडियम दो हो गया इधर दायां पक्ष में, तो सोडियम इधर एक ही ना है, तो इधर कितना करना होगा, यहाँ पर भी दो करना होगा, तो दो यहाँ पर गुना कर देंगे, और ऑक्सीजन भी दो है, ऑक्सीजन इधर भी दो है, तो बायां पक्ष और दायां पक्ष में दोनों तरफ क्या हो गया, अब परमाणु संख्या बराबर हो गया, मतलब तत्वों की परमाणु संख्या बराबर हुआ, तो ये समीकरण क्या हुआ, संतुलित हुआ। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही, इसी प्रकार अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आप मेरे YouTube चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें। धन्यवाद।